और मुल्क में सर्द मौसम के आगाज में जिक्र मौसम का, कहीं धुंध, कहीं बारिश और कहीं बर्फबारी। मुल्क में सर्द मौसम के तमाम रंग, सवात, कलाम, मालम, जब्बा, म्यांदम, गिलियात, छंडियानी, अयूबिया समेत बाला इलाकों में बर्फबारी जारी है। सवात की बात करें, सवात कालाम में बर्फबारी से सयाहों की ईद हो गई। कालाम में मौजूद हैं एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे शेरिन ज़ादा, उनसे वहां की सूरत हाल जानेंगे। शेरिन ज़ादा, अपडेट कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं कालाम में मौजूद हूँ। कालाम में बर्फबारी का सिलसिला जोर शोर से जारी है। मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ, ये आप देख सकते हैं कालाम रोड है। एक जो है ना, अगर आपके पास चेंज ना हो तो चेंज के बगैर जो है ना वो टायरों पर वो न चढ़े और टायरों को चेंज न लगे तो वो इस तरह स्लिप करती है। तो ज़रूरी है कि आपके पास चैन हो ताकि वो टायरों को लग जाए और वो आसानी से चल सके। हमारे साथ एक सयाह मौजूद है, कराची से आया हुआ है। उनसे पूछते हैं कि उनका क्या, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए? अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अनवर मेरा नाम है, कराची से आया हूँ और यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। अच्छा। और यहाँ पे आके बहुत इंजॉय किया है। क्या इंजॉय किया आपने? ये पहली दफा मैंने बर्फबारी देखी है। अच्छा। और बहुत इंजॉय किया है जिंदगी में, फर्स्ट टाइम यहाँ पे आना हुआ। अच्छा। और पता चला पाकिस्तान में हमारे पास ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पे बहुत ज्यादा सेहत हो सकती है। ठीक है, मौसमियात के मुताबिक ये बर्फबारी तकरीबन 24 घंटे जारी रहेगी, जिससे हो सकता है कि कुछ इलाकों में रास्ते बंद हो, लेकिन कालाम का रास्ता जो है ना वो खुला है। और यहाँ पर तहसील नाजिम हमें कहा है कि हमने इसके लिए इंतजाम किया हुआ है। वाओ, मसालेदार चिकन टिक्का मेरा फेवरेट।